वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस एग्जाम चैट विद सोनिया। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम करने वाले हैं इसके अंदर मैकेनिक्स। आप आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट से, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम करेंगे मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट के अंदर अभी जो पहले वाले पार्ट्स हैं उसके अंदर हमने 220 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। गुड मॉर्निंग लोकेश कौशिक, गुड मॉर्निंग दीप, कैसे हो आप दोनों? गुड मॉर्निंग एसटी। मैं भी बढ़िया। गुड मॉर्निंग मुकेश, थैंक यू दीप, आई एम ऑल्सो गुड। तो आज हम करेंगे मैकेनिक्स के लास्ट पार्ट करने वाले हैं हम मैकेनिक्स का। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो फ्रिक्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग अतुल। उसके बाद हम जो कल वाला पार्ट करेंगे, बहुत बढ़िया मुकेश, आप बताइए कैसे? आई एम फाइन थैंक यू। उसके बाद जो हम करेंगे फ्रिक्शन करेंगे, आज हम कर लेते हैं मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट, मैकेनिक्स के टिल पार्ट फाइव तक। ये है हमारा पार्ट सिक्स और पार्ट फाइव तक हमने, पार्ट सिक्स है ये और इसके अंदर हम 250 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने का हमारा टारगेट था। और पार्ट फाइव तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 220 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट फाइव के अंदर 220 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 220 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए हैं पार्ट फाइव तक। आज हम करेंगे सारे कंप्लीट क्वेश्चंस। हाँ जी, एसडी ग्रुप का नंबर सेंड कर दीजिए इन्हें, अतुल को। गुड मॉर्निंग अतुल। जो भी ग्रुप का नंबर है इनको सेंड कर दीजिए ताकि ये भी ग्रुप में ऐड हो जाए और क्लासेस अपनी जो भी क्वेश्चंस है या आप पूछना है वो पूछ पाए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी बता दीजिए एक बारी, सब ओके है क्या? ऑडियो वीडियो क्वालिटी बता दीजिए, सब ओके है क्या? आते जाए वीडियो को लाइक करते रहे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। और जो कोई नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। हाँ जी, तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते इतने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी ऐसा यूनिट है किसकी? रेडियो धर्मिता की, रेडियो एक्टिव धर्मिता, तापकण ऊष्मा ऊर्जा। रेडियो एक्टिव धर्मिता की है, रेडियो एक्टिविटी की है, तापकण टेम्परेचर की है, ऊष्मा यानी हीट की है, या फिर ऊर्जा एनर्जी की है? जल्दी से बताएं। क्यूरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ, क्यूरी इज द ऐसा यूनिट ऑफ। बहुत बढ़िया एस डी। बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट से आंसर दें भाई, बाकी स्टूडेंट भी फटाफट से आंसर दें। मुकेश, रेडियो एक्टिव धर्मिता इज द राइट आंसर। बाकी स्टूडेंट भी आंसर दें, लोकेश, अतुल, दीप, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। रेडियो एक्टिव धर्मिता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला का बताइए भी फटाफट से, कैंडेला किसका मात्रक है? कोई बात नहीं अतुल राणा, रिप्लाई कर देंगे वो आपको, क्वेश्चन बता देंगे आपको नंबर। कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला ऐसा यूनिट है किसकी? बताइए फटाफट से, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। जल्दी से बताएं कैंडेला किसका ऐसा ही मात्रक है?
जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दे, कहाँ चले गए सारे के सारे। हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द राइट आंसर, ज्योति तीव्रता इज द राइट आंसर। बाकी स्टूडेंट कहाँ गए, एस डी एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, शायद नोटिफिकेशन नहीं गया है अभी तक। एक बार नोटिफिकेशन जाएगा तभी स्टूडेंट्स आएंगे, तो एक बार आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट्स आ जाएं। कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाता तो स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं। या आज बिल्कुल सही टाइम पे क्लास स्टार्ट हो गई तो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। हेलो सनी। हाँ जी, ज्योति तीव्रता इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। भी ज्योति तीव्रता इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग सनी। हाँ, अभी कुछ स्टूडेंट्स आने लगे हैं तो अभी क्लास लेने का कुछ थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। एक दो स्टूडेंट्स हो तो क्लास का भी, फिर फटाफट से क्वेश्चन का आंसर भी कीजिए। जो स्टूडेंट आ गए हैं फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी उसका त्वरण मतलब क्या हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी को अगर 2 टाइम्स कर दिया जाएगा तो उसकी त्वरण दुगुना हो जाएगा, मतलब उसका जो एक्सेलेशन है वो डबल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। या भार दुगुना हो जाएगा, या फिर वेट सॉरी मास डबल हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वेग को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को 2 गुना कर रहा है मतलब विलोस्टी क्या कर दी इसने, विलोस्टी आपकी क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी। विलोस्टी क्या कर दी, 2 टाइम्स कर दी, 2 गुना कर दिया वेग को। तो आप वो पूछ रहे कि क्या दुगुना या 4 गुना हो जाएगा, क्या दुगुना या 4 गुना हो जाएगा। त्वरण दुगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी, ये गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या भार दुगुना हो जाएगा। हाँ जी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, बहुत बढ़िया आंसर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो हम होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ पे आपको इसको डबल किया है, डबल किया तो 2 का स्केयर हो जाएगा, 2 का स्केयर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुनी यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एस डी, सचिन सनी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आज बहुत कम क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ 30 क्वेश्चन ही रह गए हैं, बाकी हमने डिस्कस कर लिए, तो फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया मुकेश। देखिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव हो पाता है। जल में तैरना, स्विमिंग, स्विमिंग न्यूटन के किस नियम के कारण संभव हो सकती है। स्विमिंग न्यूटन के किस लॉ की वजह से स्विमिंग करना पॉसिबल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या न्यूटन फोर्थ लॉ। वैसे फोर्थ लॉ तो है ही नहीं, इसके अंदर ऑप्शन निकल दे रखा है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एंड ऑल। एस जी कहने थर्ड लॉ, एस जी कहने थर्ड लॉ। भी बाकी भी बताएं फटाफट से। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। नैन्सी बहुत बढ़िया, नैन्सी नैन बहुत बढ़िया, थर्ड इज द राइट आंसर। मुकेश पूनिया थर्ड इज द राइट आंसर, गुड गोइंग, कीप इट अप। अतुल थर्ड इज द राइट आंसर, सचिन सैनी थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, न्यूटन के किस नियम से आपको डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड नन ऑफ दीज। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सचिन कह रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ से मिलती है। बाकी स्टूडेंट आंसर दे, फिर इस बात को डिस्कस करते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है या सेकंड लॉ से मिलती है। सागर कह रहे हैं थर्ड लॉ से मिलती है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स पे आंसर दे। मुकेश पुनिया कह रहे हैं सेकंड लॉ से फोर्स की परिभाषा यानी डेफिनेशन मिलती है। लोकेश कह रहे हैं थर्ड लॉ से फोर्स की परिभाषा या बल की परिभाषा या फिर बल की परिभाषा मिलती है। बाकी स्टूडेंट्स आंसर दे, फिर इस बात को डिस्कस करते हैं। सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड मोस्टली यही आंसर आ रहा है, सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड। अच्छा, सागर कह रहे हैं सॉरी फर्स्ट आएगा। ओके सागर, याद आ गया आपको। नैन्सी कह रही है फर्स्ट आएगा। सेकंड या थर्ड दोनों से ही नहीं मिलती हमें फोर्स की परिभाषा, डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। कैसे मिलती है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है,
न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी हमारी विराम अवस्था में, अगर जबकि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी असंतुलित बल नहीं लगा दिया जाता, राइट। तो मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और रिमेन्स रेस्ट, ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन रिमेन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगा दिया जाता। तो यहाँ पे देखो उसने कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं, कोई परिमाप की बात नहीं की, उसने सिर्फ किसकी बात की है, मैग्नीट्यूड की। तो ये बताता है हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ना कि न्यूटन का सेकेंड और थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज नोन बाय, मैग्नीट्यूड हमें बल का परिमाप कि कितना बल लगेगा किसी वस्तु के ऊपर, कितना बल लगाना है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कितना बल लगेगा, ये हमें न्यूटन के किस नियम से पता लगता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या नन ऑफ दीज। बल, बल की परिभाषा होगी फर्स्ट लॉ से, बल का परिमाप कौन से नियम से मिलता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बहुत बढ़िया नैन्सी कह रही है सेकेंड, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। सचिन कह रहे हैं सेकंड। वीडियो को लाइक करते जाएं भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो इसे लाइक भी करें। मुकेश पुनिया कह रहे हैं सेकंड, ओके। सागर कह रहे हैं सेकंड। लोकेश का आंसर नहीं आया अभी तक, एसडी का आंसर नहीं आया अभी तक। वही मैं सोच रही हूँ, नैन्सी, आरजू, काजल, बहुत बच्चे नहीं आए आज, एक दो दिन के बाद उनको मस्ती छा जाती है, तो बहुत से स्टूडेंट अभी नहीं आए हैं, देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी, सेकंड नियम से देखिए, सेकंड नियम बताता है, सेकंड इज द राइट आंसर, बल का परिमाप, बल का परिमाप कौन बताता है हमें, न्यूटन का सेकंड नियम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में, मैग्नीट्यूड फोर्स का, मैग्नीट्यूड फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन बताता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता चलता है कि कितनी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये हमें बताता है न्यूटन सेकेंड लॉ। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक बॉडी को पुश करने के लिए हमें 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने की पड़ेगी, तो ये मैग्नीट्यूड कौन बताएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ ये मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो अच्छी बात है भाई, जो बुला के लाओ तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। गुड मॉर्निंग मनीष। सागर कह रहे हैं थर्ड लॉ, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर देने की कोशिश करें कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। एसडी कह रहे हैं थर्ड, एसडी कहां गायब हो गए थे, न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करता है, बहुत बढ़िया भाई, न्यूटन के थर्ड लॉ पे कार्य करता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ पर कार्य करता है रॉकेट का सिद्धांत, रॉकेट का किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब देखिए, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरना की आकांक्षा का कारण है, अश्व मतलब घोड़े को बोलते हैं भी, अश्व एकदम से अगर चलना शुरू कर दे तो अश्वारोही घोड़े पर जो सवार इंसान है उससे गिरने की आकांक्षा का कारण है। अगर कोई पर्सन घोड़े पे हॉर्स राइडिंग कर रहा है और वो हॉर्स राइडिंग करता हुआ घोड़े पे बैठा है और घोड़ा एकदम से अचानक से चलने लगता है तो जो घोड़े पर बैठा सवारी है वो गिर जाता है, उसका कारण क्या हो सकता है। जड़ता व घूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ या विश्राम जड़त्व या रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या न्यूटन थर्ड लॉ, जल्दी से आंसर बताएं इस क्वेश्चन का। विराम जड़ता, अस्थि, बहुत बढ़िया।
क्या बात, भी बाकी स्टूडेंट को आंसर नहीं आ रहा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बहुत बढ़िया सागर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द राइट आंसर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट या विराम जड़तव इज द राइट आंसर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट या विराम जड़तव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? बिना ऑप्शन के बताएं ये। जब किसी ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर सिंक किया जाता है तो जितना वाटर डिस्प्लेस करता है तो वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है बताइए। भी ऑप्शन है आपका, विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। जल्दी से आंसर दे भाई। जल्दी से आंसर दे। बिल्कुल एसटी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया एसटी। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर दें। बाकी स्टूडेंट्स आज आंसर क्यों नहीं करे, क्या बात हो गई आज? आंसर क्वेश्चन इतने हार्ड तो मैं पूछ ही नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे टफ क्वेश्चन भी नहीं है जो आप आंसर ना दे पाओ। सारे सुनने में लगे हुए हैं आज की, मतलब सुन लेते हैं सिर्फ। या आज क्लास लेने का मन नहीं है तो बंद कर देते हैं क्लास, क्या बात हो गई, बात कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, क्लास बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास लेने का मन नहीं है तो। बट कुछ रिस्पॉन्स तो करो। एस डी ने आंसर दिया, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल वस्तु के वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर, या कोई नहीं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है ओनली मास, ओनली वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मोटिवेशन शेर सुना दूं एकदम से माइंड में, तो आपने बोल दिया जैसे कोई, मैं शेर और शायरी थोड़ी करती हूँ, माइंड में एकदम से आ जाएगा आपने बोला। चलो सुन लीजिए फिर एक, अभी जैसे मनीष ने बोल दिया मोटिवेशन तो याद आ ही गया। देखिए, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो जो पर्सन जीतता है वो कोई काम, कोई अलग से काम नहीं करता, वो क्या करता है, हर काम को अलग ढंग से करने की कोशिश करता है, जो हम लोग नहीं कर पाते, और जो लोग नहीं कर पाते वही लोग पीछे रह जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ये था हमारा, क्वेश्चन रिपीट करना है। गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओनली ओनली मास, ओनली वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया स्टीप, बोथ इज द राइट आंसर। हाँ, मीनिंग वही है मनीष कौशिक कि स्मार्ट स्टडी करना है, हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हो बैठ के, और अगर आप उस 10 आवर्स की स्टडी का मतलब एग्जैक्ट यूटिलाइज नहीं कर पा रहे उसका, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप 1 आवर भी ढंग से पढ़ लेते हो और उसको आप यूटिलाइज कर पाओ, अच्छे से अपने माइंड में ग्रैप कर पाओ, अपने माइंड में बिठा पाओ, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 आवर हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हो तो 14 आवर्स भी पढ़ लो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, मास एंड वेलोसिटी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सागर ने दिया है, एसडी ने दिया है, मास एंड वेलोसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस या कोयला। लकड़ी, नाभिकीय ऊर्जा, गोबर गैस या कोयला, निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ऊर्जा नहीं मिलती मतलब जिससे, किसका उदाहरण नहीं है, लकड़ी यानी कि कोल, लकड़ी यानी वुड, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, गोबर गैस और कोयला, कोल।
फटाफट से बताएं इसका आंसर। आई थिंक आज किसी का क्लास लेने का मन नहीं है ज़्यादा। हाँ जी मनीष, बहुत बढ़िया। वुड, बस 30 to 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्लास ख़त्म। 20-21 मिनट की क्लास है, फटाफट से आंसर दे दीजिए, फिर उसके बाद बातें बातें कर लेंगे क्लास में, बट आंसर तो दीजिए आज। आंसर नहीं देने का मन किसी का लगता है आज। ऐसे लग रहे हैं कि सब कल टाइप कर करके थक गए और अब किसी का कीपैड पे हाथ रखने का मन ना हो, है ना? सही में कॉफी पी कर पढ़ा करो ना कि लस्सी। कॉफी पिया करो, लस्सी मत पिया करो। हाँ जी एसडी, क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? सब लस्सी पी पी के ना सो जाते हैं। और हाँ कॉफी, चाय, कॉफी जब भी नींद आए ना, चाय कॉफी का मग साथ में रखा करो, ले लिया करो, कॉफी ले लिया करो, तो ताकि नींद खुल जाए और क्वेश्चंस का आंसर दें। नेस्कैफे कॉफी की ऐड आती है ना, वो जब उसके पापा बोलते कि मेरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया तूने तो, है ना? तो वही काम करना आप लोगों को, कॉफी पिया करें। वुड इज द राइट आंसर। भी कौन सा स्रोत्र नहीं है? वुड नहीं है इसका स्रोत्र। कौन सा नहीं है? वुड स्रोत्र नहीं है इसका। वुड इज द राइट आंसर, वुड इज द राइट आंसर। कौन सा एनर्जी का स्रोत्र नहीं है? वुड स्रोत्र नहीं है एनर्जी का। क्लियर, वुड स्रोत्र नहीं है एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया हुआ है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 7 या 10 की पावर 2? कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल इक्वल टू हाउ मैनी अर्ग? 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? सागर बहुत बढ़िया, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, बहुत बढ़िया। एसडी इतनी जीरो लगा दी, पता नहीं चल रहा कितनी जीरो लगा रखी है, काउंट करना मुश्किल है। हाँ जी नैन्सी, कहाँ गायब हो गए थे नैन्सी? सी सी क्या है? 10 की पावर 7। हाँ जी 10 की पावर 7 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, 10 की पावर 7 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सीजीएस प्रगति में कार्य की इकाई क्या होगी? सीजीएस प्रगति में कार्य की इकाई क्या होगी? सीजीएस यूनिट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एसआई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, या वर्क की यूनिट बतानी है सीजीएस सिस्टम में। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम? अर्ग, डाइन सेंटीमीटर, जूल, मीटर प्रति सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं? बी यानी कि जूल नहीं। वर्क की, सागर मैंने वर्क की एसआई यूनिट पूछी है सीजीएस सिस्टम के अंदर, ना कि एसआई सिस्टम के अंदर। वर्क की मैंने एसआई यूनिट पूछी है सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर। देखो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, राइट? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हो एफ डी एस कोस थीटा। एक बार कोस थीटा वाली बात नहीं लिख रही मैं, नॉर्मल आपको कह रही हूँ, बल गुना में विस्थापन। वैसे तो इसका फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या होता है, एफ डी एस कोस थीटा, एफ डी एस कोस थीटा, ये वाली बात नहीं छोड़ रही हूँ मैं एक बार, यहाँ पे सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ एफ डी एस की। तो ये क्या हो जाएगा, बल गुना में विस्थापन, बल गुना में विस्थापन। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। या तो इसकी ये यूनिट होती है या फिर आप डायरेक्ट कहते हो जूल, राइट? अब इसका ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट। मैंने आपसे कौन सी पूछी है, सीजीएस यूनिट। तो अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, न्यूटन का क्या होता है डायन, और मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर। और इसकी जूल की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ग। तो ये होती है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ए इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन में मैंने आपको क्या दिया था, अर्ग या फिर डायन सेंटीमीटर, अर्ग या फिर डायन सेंटीमीटर। आप जूल सही आंसर दे रहे हो, पर आप जूल ऐसा यूनिट बता रहे हो, मैंने ऐसा यूनिट नहीं सीजीएस यूनिट पूछी थी इसकी, सीजीएस यूनिट। वेलकम विशु,
सीजीएस यूनिट मैंने आपसे पूछा था, सीजीएस यूनिट क्या होती है वह, कि इसीलिए आप क्वेश्चन में मिस्टेक करते हो कि क्वेश्चन आप सही ढंग से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो सबने आंसर झूल दे दिया, और मैंने आपसे पूछा था सीजीएस यूनिट, तो क्वेश्चन ध्यान से सुने फिर आंसर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, आइंस्टाइन का द्रव्यमान एनर्जी समीकरण क्या है। आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास में कोई रिलेशन दिया था, वो एनर्जी मास रिलेशन क्या है, फटाफट से आंसर दीजिए। एनर्जी मास रिलेशन क्या है, E=mc² E=mc² / c या d, इनमें से कोई नहीं, ये तो बिना ऑप्शंस के भी आना चाहिए। आइंस्टाइन का एनर्जी रिलेशन आपकी फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की जो बुक्स आती है उसके फ्रंट पेज पे ही आइंस्टाइन की फोटो के नीचे ये इक्वेशन लिखी होती है, जिसके लिए आइंस्टाइन को बहुत ही सम्मान दिया गया था, नोबेल प्राइज भी मिला था उनको इसके लिए। हाँ जी, ए इज द राइट आंसर। सागर, नैन्सी, एसटी, मनीष, ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा इसका, E=mc². छोटे बच्चों की बुक्स भी परचेज करते हैं हम साइज की, तो भी उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है E=mc². किसके द्वारा दिया गया था ये, आइंस्टाइन ने दिया था ये सबसे पहले रिलेशन, एनर्जी और मास के अंदर जो रिलेशन था। सी यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और एम मास, और ई एनर्जी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मशीन 125 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। न्यूमेरिकल है, छोटा सा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एक मशीन है, वो कितना वर्क डन कर रही है, कितना वर्क कर रही है 125 जूल कितने टाइम में कर रही है, 10 सेकंड के अंदर कर रही है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द पावर, पावर क्या होगी। क्वेश्चन देखिए, एक मशीन वर्क कर रही है 125 जूल वर्क कर रही है, और आपको दिया हुआ है टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, और आपसे पूछा है पावर यानी कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा। पावर और शक्ति आपको कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन आपका 1250 वाट 100 वाट, ऑप्शन आपका 1250 वाट 100 वाट, सी ऑप्शन है आपका 12.5 वाट, और डी ऑप्शन है आपका 10 वोट। फटाफट से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, 1250 वोट 100 वोट 12.5 वोट या 10 वोट, फटाफट से बताएं आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। कैसे आएगा सी राइट आंसर आपका, कैसे हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होती है आपकी, वर्क डन बाय में टाइम। पावर का फॉर्म, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। तो मतलब वर्क डन बाय में टाइम होती है आपकी पावर, तो वर्क डन हमारा कितना है 125 डिवाइड बाय 10, तो 12.5 इज द राइट आंसर। सबने सही आंसर दिए, मनीष, एस डी, सागर, नैन्सी, सबने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं ये, ध्यान से करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। संवेग दुगना किया भी, अब मोमेंटम अगर कह रहा है उसका, किसी भी वस्तु का जो लीनियर मोमेंटम है आपका, अगर लीनियर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने कल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के अंदर मैंने आपको रिलेशन बताया था, तब मैंने आपको बताया था। अब इसने कहा है कि मोमेंटम को अगर डबल कर दिया जाए, तो अगर आपको रिलेशन याद है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो अगर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4×2×आदि पहले के बराबर, 4×2×आदि या पहले के बराबर, 4×½, 2× या इक्वल टू मोमेंटम, मतलब उतनी ही रहेगी। देखो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। काइनेटिक एनर्जी को हमने निकाला था P²/2m, राइट, P²/2m, ये फॉर्मूला याद है आपको, कल मैंने डेरिवेशन भी करवाई थी। इसने क्या कहा, यदि किसी वस्तु के संवेग को दुगना कर दिया जाए, संवेग को दुगना मतलब इसको क्या कर रहा है, 2× कर रहा है, तो ये 2² हो जाएगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से, 4× राइट, 4× हो जाएगी। कैसे आया था ये फॉर्मूला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, ½mv², राइट, ½mv², तो हमने क्या किया था, इसको m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास क्या बन गया था, 1 बाय
2m, और यहाँ पे ऊपर बन गया था हमारे पास m स्क्वायर v स्क्वायर, और m स्क्वायर और v स्क्वायर हमारा क्या होता है, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर बाय 2m। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा और मोमेंटम में रिलेशन पूछा गया आपसे, गतिज ऊर्जा और मोमेंटम में रिलेशन पूछा गया बहुत बार आपसे कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर आएगा पी स्क्वायर बाय 2m, और इसी से कई बार न्यूमेरिकल पूछा गया है। क्लियर, 4 टाइम इज द राइट आंसर, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, 4 गुनी हो जाएगी, हिंदी मीडियम में बोले तो 4 गुनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, चाबी भरी। नमस्ते आशीष हांडा, SKS गुड, क्या गुड, हाँ जी स्थिति जी, जब बहुत बढ़िया। विपिन ST, विपिन अभी आए हो, बहुत लेट आए हो, आशीष भी बहुत लेट आए हैं, 30 मिनट्स हो गए क्लास को चलते हुए, सो जाते हो क्या आप लोग, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो भाई, क्लास टाइम वैसे ही लेट है, कुछ 6 बजे क्लास तो होती ही नहीं अपनी, तो मुझे लगेगा 6 o'clock लेनी पड़ेगी मॉर्निंग में, ताकि आप लोगों को उठा के 6 o'clock क्लास देके फिर 7 o'clock वापस हो जाओ आप, है ना। स्थितिज ऊर्जा इज द राइट आंसर, पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है तो कार्य कितना होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा तो उसका वर्क डन कितना होगा, फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा तो वर्क डन कितना होगा उसका, बताएं भाई, न्यूनतम, मिनिमम हो जाएगा, अधिकतम, मैक्सिमम हो जाएगा, गुड मॉर्निंग अर्जु, या फिर शून्य, जीरो हो जाएगा या नेगेटिव होगा वर्क डन। बहुत लेट, बहुत से स्टूडेंट बहुत लेट आ रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे, मेरे को लगा क्लास ही बंद करनी पड़ेगी आज। हाँ जी सागर कह रहे हैं जीरो, विपिन कह रहे हैं जीरो, जीरो आंसर होना चाहिए, देखते हैं आंसर क्या आएगा। SD कह रहे हैं जीरो, बहुत बढ़िया SD, विपिन, सागर, मनीष, जीरो इज द राइट आंसर। हमने देखा था ना कि कोई भी बिल्कुल, कुली वाला, धोबी वाला नहीं, कुली वाला, कुली वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल कुली वाला एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। कुली जब अपने सिर पे कोई सामान हटा ऊपर रखता है तो आपका क्या हो जाता है, कुली जब अपने सिर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है तो आपका क्या होता है, वर्क डन जीरो हो जाता है ना। अब जाके कुली से बहस मत कर लेना, लग जाना। ट्यूबलाइट का कार्य है, ट्यूबलाइट का कार्य है, अब SD सही से आंसर देंगे, ट्यूबलाइट का कार्य है गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना, पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा में बदलना, सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलना, बताएं भी फटाफट से। ट्यूबलाइट जो आपके घरों में ट्यूबलाइट लगी होती है, इसका क्या कार्य है, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है, जल्दी से बताएं, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को विंड एनर्जी में चेंज करना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, विंड एनर्जी को सोलर एनर्जी में, सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में। हाँ जी बी इज द राइट आंसर, आरजू, मनीष, ST, विपिन, सागर, नैन्सी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्यूबलाइट, विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर सेल या डायनमो, ट्यूबलाइट, विद्युत मोटर, सोलर सेल या डायनो, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, हाँ जी बिल्कुल, नहीं सॉरी, मैकेनिकल टू, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डायनमो इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, डायनमो इज द राइट आंसर, डायनमो इज द राइट आंसर। हाँ जी डायनमो इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, डायनमो इज द राइट आंसर, सागर ने भी आंसर दिए, डायनमो इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन बताइए, इसका ऑप्शन नहीं है अभी, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है,
जब एक पत्थर को उठा के चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो इसका भार और द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसके भार और द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा? जब एक पत्थर को उठा के पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसके भार और द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ता है, वो आपको बताना है। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसी मास और वेट पे बताने की क्या फर्क पड़ेगा। एसडी एक बार इसे वो भी बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन हो गए हैं आज के, हमारे क्वेश्चन कितने हो गए एसडी एक बार ये बता दीजिए। हाँ मास नॉट चेंज एंड वेट चेंज, मास चेंज नहीं होगा, कल भी समझाया था मास चेंज नहीं होगा। और मास को किस में मेजर करते, किलोग्राम में। वेट चेंज होएगा जिसको न्यूटन में मेजर करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? दूध को जब प्रबल ढंग से मथा जाता है तो इसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल, गुरुत्व बल या घर्षण बल? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स? थैंक यू एसटी, ग्रेविटेशन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। बहुत बढ़िया, विपिन ने आंसर दिया अभिकेंद्री बल, विपिन ने आंसर दिया अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल इज द राइट आंसर। बिल्कुल अपकेंद्रीय बल, हिंदी में क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? तेल की क्षायणता अधिक होती है, जल की क्षायणता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, तेल के ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होती है, ऑयल वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, तेल का पृष्ठ तनाव यानी कि ऑयल का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, या जल का पृष्ठ तनाव वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, ज्यादा होता है। बताएं भी क्या आना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव वाला क्वेश्चन आंसर आ जाएगा इसका, पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो पोटेंशियल एनर्जी? संकुचित धागे की ऊर्जा, दौड़ते हुए खिलाड़ी की ऊर्जा, ऊंचाई पर एक तितर जल की ऊर्जा, या घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा, या घड़ी में लगे स्प्रिंग की ऊर्जा? निम्न में से किसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? संकुचित धागे की ऊर्जा, दौड़ते हुए घोड़े, दौड़ते हुए खिलाड़ी की ऊर्जा, ऊंचाई पर एक तितर जल की ऊर्जा, या घड़ी में स्प्रिंग की ऊर्जा? हाँ जी, दौड़ते हुए खिलाड़ी के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी, सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर पिछले वाले क्वेश्चन का, बट अभी कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस करें कि किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर नहीं होगी भाई, घोड़े के अंदर नहीं, खिलाड़ी के अंदर नहीं होगी, जो खिलाड़ी रन कर रहे हैं, जो खिलाड़ी भाग रहा है, जो खिलाड़ी भाग रहा है, अगर कोई खिलाड़ी रन कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कब आती है, किसी भी वस्तु में जब वो चलना स्टार्ट कर देती है। अब खिलाड़ी भाग रहा है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो किस में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, बी इज द राइट आंसर, बी में नहीं है, किस में नहीं है, बी में नहीं है, खिलाड़ी में स्थितिज ऊर्जा नहीं है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु पे 50 न्यूटन का बल क्षितिज से 60 डिग्री कोण पर आरोपित होता है और यदि विस्थापन 20 मीटर है तो कार्य होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा वही है, सिंपल, एक न्यूमेरिकल सा दिया हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है। फोर्स आपकी लग रही है किसी के ऊपर 50 न्यूटन, एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है, और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको 20
20 मीटर, और आपसे पूछा वर्क डन क्या होगा, और आपसे पूछा है वर्क डन क्या होगा, तो आपसे पूछा वर्क डन क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करें और आंसर बताएं वर्क डन क्या होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, 500 जूल, बी ऑप्शन है 1000 जूल, सी ऑप्शन है 200 जूल, डी ऑप्शन है 100 जूल। यदि किसी वस्तु में 50 न्यूटन का बल क्षैतिज 60 डिग्री कोण पर आरोपित होता है तो विस्थापन 20 मीटर हो तो कार्य क्या होगा, तो कार्य बताने क्या होगा, बताइए भी वर्क डन क्या होगा। सिंपल सा फॉर्मूला, अभी पहले भी बताया आपको फॉर्मूला, सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा जो पहले भी बताया आपको। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन, आई थिंक पहले जब मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया तब मैंने आपको बताया था 300 जूल एसडी ने बताया। बाकी देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका, सोल्व करने से पता चलेगा आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला देखिए कौन सा लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ, ये मैंने इरेज भी नहीं किया हुआ, फॉर्मूला ये लिखा हुआ W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा, बताइए क्या आंसर आ रहा है। W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा लगा के क्या आंसर आ रहा है, W इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा लगा के आपका क्या आंसर आया, 300 जूल। संजय पटेल कह रहे हैं 300 जूल, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल देखते ही छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं करना। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट 50, इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 20, कोस 60, कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2, तो 50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया आंसर 10, 500 आ रहा है मेरा तो, 500 जूल आ रहा है मेरा तो। आप लोगों का कितना आ रहा है, 300 कैसे निकाला आप लोगों ने, कोस 60 की वैल्यू गलत पुट की होगी, कोस 60 की वैल्यू आप लोगों ने जरूर गलत पुट कर दी होगी। ए ही आंसर आएगा, कोस 60 की वैल्यू आप लोगों ने गलत 3/2 पुट कर दी होगी, या तो 3/2 करने से भी आपका आंसर कितना आएगा, 3/2 अगर आप पुट करते हो तो 3 × 50 × 10, फिर भी 1500 आ रहा है। क्या वैल्यू पुट किया आप लोगों ने कि जो आपका आंसर 300 आ गया, 300 तो किसी भी तरह से नहीं आ रहा। सिंपल कुछ नहीं करना था, सिर्फ एफ की जगह कितना था, फोर्स कितना था हमारा 50, डिस्प्लेसमेंट था हमारा 20 मल्टीप्लाई 1/2, इतना सा काम करना था और आपका आंसर आ जाएगा 500 जूल। पता नहीं आपने क्या वैल्यू ली जो आपका ए नहीं आ रहा आंसर, कुछ और ही आ रहा है। अच्छा मैं देख रही थी कौन कौन कॉपी करता है, हाँ सही में 300 तो किसी भी तरह से नहीं आता, एक स्टूडेंट का तो दिमाग चलो काम कर सकता है 300, बाकी सबका 300 कैसे काम करेगा। ठीक है, न्यूटन मीटर मात्रक है त्वरण का, एक्सेलेरेशन का, बल का, शक्ति का या ऊर्जा का। न्यूटन मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर किसकी ऐसा यूनिट है, त्वरण का, एक्सेलेरेशन का, बल का यानी कि फोर्स का, शक्ति का यानी कि पावर का, और डी एनर्जी का, किसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, विपिन राइट आंसर, वर्क एंड एनर्जी। अभी किया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी कि न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इंटू में मीटर, आंसर बोर्ड पे ही लिखे हुए हैं, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क। वाह एस डी बहुत बढ़िया, बल फोर्स, फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ये न्यूटन होती है फोर्स कैसे यूनिट, फोर्स कैसे यूनिट होती है न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई न्यूटन, और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है डायन। तो यहाँ पे इसने पूछा न्यूटन मीटर, तो आपका आ जाएगा एनर्जी, क्या आंसर आ जाएगा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की दीवार पे को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है, मतलब एक पर्सन क्या कर रहा है, दीवार को पुश कर रहा है, बहुत धक्का लगा रहा है, पर फिर भी वो दीवार को बिल्कुल भी आगे नहीं कर पाता, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, घनात्मक परंतु अधिकतम कार्य या अधिकतम कार्य, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, या फिर वर्क होगा बट पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ जी, जीरो इज द राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर, जीरो बहुत बढ़िया राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से प्रकाश आर जो बहुत बढ़िया, एसडी नैन्सी विपिन संजय मनीष आर जो बहुत बढ़िया, अभी सबने आंसर सही दिया, 0 इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल, दीवार गिरी नहीं तो क्या काम हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल सही एसडी, तो 0 इसलिए हमने बोल दिया, 0 वर्क डन। राइट, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले निम्न में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। प्रकाशीय वोल्टेज सेल पूछा है इसने, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से, अगर आप प्रकाशीय वोल्टेज सेल का प्रयोग करते हो, प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। प्रकाशीय वोल्टेज सेल का यूज कर रहा है वो, सोलर का, प्रकाशीय इज द राइट आंसर, प्रकाशीय ऊर्जा का यूज होगा, भी सोलर सेल का यूज करेगा तो सोलर एनर्जी ही लगेगी ना उसके अंदर, सोलर सेल का यूज कर रहा है तो सोलर एनर्जी ही उसके अंदर यूज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम प्रकाशीय ऊर्जा इज द राइट आंसर एसडी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, यह इस पदार्थ में पाया जाता है, इस पदार्थ में पाया जाता है, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या संचित ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो जो उसका आकार है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है उसकी जो साइज है, तो वो किस वजह से होता है, तो क्या पाया जाता है उसके अंदर, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या विखंडन ऊर्जा। क्या हो गया अभी, इतना क्यों हंस रहे हो आप लोग, रबड़ के गद्दे वाला क्वेश्चन गलत बोल दिया क्या मैंने, ऐसा उसके पागल ही हो गए सारे। नहीं, संचित नहीं होती, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ, आरजू क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बाकी आंसर दें, संचित इज द रॉन्ग आंसर, पहले भी आरजू आया हुआ है क्वेश्चन, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन है ये। और दोबारा कोई गैस करें, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, बहुत बढ़िया संजय, संजय ने आंसर दिया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इज द राइट आंसर, पहले भी क्वेश्चन ने डिस्कस किया हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया मनीष नैन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष, जल्दी से बताएं। काइनेटिक एनर्जी नहीं है पूछ रहा है, चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा या खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, हाँ एसडी आपने शुरू में दे दिया था वो आंसर, मैंने स्थितिज ऊर्जा देख लिया था आपका आंसर। गुड मॉर्निंग मुकेश पुनिया अगेन। सीढ़ी पर चढ़ते हुए अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है या व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। जब आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती है क्योंकि आप ग्रेविटेशन के अपोजिट काम करते हो, क्योंकि आप एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अपोजिट काम करते हो, या फिर आप व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में या ग्रेविटी के
साथ काम करते हो या व्यक्ति कोई काम नहीं करता? आंसर सुनिए संजय ध्यान से एक बार। ग्रेविटेशन होता है जो आपका चेंज नहीं होता, ग्रेविटी इफेक्ट करती है। तो सेकंड ऑप्शन में ग्रेविटी है और फर्स्ट ऑप्शन में ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। हाँ जी, तो बी आंसर आएगा, आप बिना सुने, हाँ ग्रेविटी के विरुद्ध आएगा, ना कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के विरुद्ध नहीं आएगा। ग्रेविटेशन फोर्स के, ग्रेविटेशन कांस्टेंट एक अलग चीज है और ग्रेविटी एक अलग चीज है, ग्रेविटी के विरुद्ध आएगा, अपोजिट टू द ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी के विरुद्ध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट जिसका समतुल्य है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट है जिसका समतुल्य है, फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब या नन। बताएं भी जल्दी से आंसर, बताएं ए किसका आंसर दिया एसडी आपने। सेकंड था यहाँ पे, सेकंड है भैया, वो सेकंड था। हाँ जी, नन इज द राइट आंसर हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंटीमीटर दे दिया मैंने, नन इज द राइट आंसर हो जाता, क्योंकि वर्क, पावर का फॉर्मूला पता है ना आपको, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय में टाइम, और वर्क क्या होता है आपको पता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या आता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, मीटर, बाय में क्या आ जाता है, टाइम। अगर आप इसको उसमें सीजेस में कन्वर्ट करते तो क्या आता है, डाइन, सेंटीमीटर बाय में सेकंड, ये फॉर्मूला आ जाता है। अगर आपने किलोग्राम में चेंज करना है तो फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू में एक्सेलेरेशन, राइट। अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो देखो सिंपल सी बात है, एक बार सारा फॉर्मूला ध्यान से समझ लीजिए, अगर किलोग्राम में आएगा, किलोग्राम में भी आएगा तो भी आपको क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, पावर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ लीजिए कैसे कैसे इसका आंसर हो सकता था, कौन कौन सी इसकी यूनिट हो सकती थी। देखो पावर की अगर मैं बात करूं, पावर होता है हमारा वर्क डन बाय में टाइम, या वर्क बाय में टाइम लिख देते हैं, वर्क बाय में टाइम, यानी कि क्या होता है, कार्य बटे में समय, यही होता है हमारा पावर का फॉर्मूला, कार्य बटे में समय। अब कार्य क्या होता है हमारा, कार्य की अगर मैं यूनिट की बात करूं, कार्य होता है हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, इंटू में कोस थीटा वाली बात मैं एक बार छोड़ रही हूँ, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, बाय में टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ही होता है टाइम तो, राइट। तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, फोर्स की अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूं, ऐसे यूनिट की बात करूं, तो फोर्स की ऐसा यूनिट जो होती है, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है, बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। साउंड क्लियर नहीं है, अभी देखिए क्लियर आ गई साउंड, अभी साउंड क्लियर है क्या? अभी देखिए साउंड क्लियर है, अभी साउंड आ रही है आपके पास, क्लियर आ रही है अभी साउंड, एक बार देख के बताइए कि साउंड अभी क्लियर है क्या, नहीं आ रही अभी भी, एक मिनट रुकिए। साउंड कैसे आ रही है, अब बताइए साउंड कैसे आ रही है।
अभी बताएं अभी साउंड आप बताएं, दोबारा लगा दिया कि साउंड कैसी आ रही है? अब सही है? चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी साउंड सही हो गया। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हो गई साउंड सही? अब चलो अब फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये मैं बता रही थी कि जो फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट में आप कंफ्यूजन रहते हो, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। बट अगर ऐसा यूनिट आपको न्यूटन के अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट ना मिले, फोर्स की ऑप्शन में नहीं मिले, जैसे अब की बार अपने पास न्यूटन नहीं था, तो आपको क्या करना है, फोर्स का न्यूटन सेकंड लॉ पे चले जाना है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स क्या होती है? मास इंटू में एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना में त्वरण। द्रव्यमान गुना में त्वरण। तो द्रव्यमान गुना में त्वरण से अगर मैं फोर्स की ऐसा यूनिट निकालूं, तो मेरी फोर्स की ऐसा यूनिट होगी किलोग्राम। और एक्सेलरेशन जो होता है मेरा, एक्सेलेशन या त्वरण क्या होता है मेरा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन, वेग में परिवर्तन की दर बटा में समय। तो इसका मेरा ऐसा यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फोर्स की ऐसा यूनिट। तो अभी हमारे पास फोर्स की ऐसा यूनिट क्या आ गई इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारी है हमारी फोर्स की यूनिट। अब इसने साथ में क्या दे रखा है? डिवाइड बाय टाइम। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो ये क्या हो गया हमारा? किलोग्राम मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। एक मीटर हमारे पास पहले था, एक मीटर इसका हो गया मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे एक सेंटीमीटर हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इससे ऊपर जाके -3 हो जाएगी पावर, एक ऊपर जाके और ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया? क्लियर हुआ कंसेप्ट? या दोबारा बताऊं, क्लियर हो गया कंसेप्ट? यूनिट्स को बैक टू बैक रिलेट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात की इसने। कोई चीज नहीं समझ आई तो दोबारा समझ लो। कंसेप्ट समझ आ गया? कंसेप्ट समझ आया? आ गया ना? कितने क्वेश्चन हो गए आज? चलो बहुत बढ़िया, अभी क्लियर कट समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी बताएं एक बार क्वेश्चंस कितने हो गए? हो गए क्या 30 या 31 क्वेश्चन हो गए? 30 to 31 क्वेश्चंस हो गए क्या आज? हुए? अच्छा चलो देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं फिर। 25 हुए तो एक अक्षय शक्ति बराबर है 740 वाट के, 740 जूल के, 740 वोल्ट के या 74.6 के। एक अक्षय शक्ति, वन पावर हाउस इज इक्वल टू 746 वाट, 746 जूल, 746 वोल्ट या 74.6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू एसडी 25 क्वेश्चन बताने के लिए। पांचों क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं फिर हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी 250 वाली। हाँ जी 746 वाट इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 746 वाट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में डैश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, मतलब चेंज होती है, वो बताना है आपको किस में चेंज होती है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या इनमें से कोई नहीं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी या इनमें से कोई नहीं। विपिन ने आंसर दिया है मैकेनिकल, एसटी ने आंसर दिया यांत्रिक, संजय नहीं, कोई तो ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोटर चल रही है कूलर के अंदर, मोटर चल रही है, आपने उसको कूलर का बटन दबाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, अब उसने क्या करना है, काम करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मैकेनिकल एनर्जी में या
या आप इसको क्या कह सकते हो, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, अभी तक चाल दुगनी कर रहा था, यांत्रिक ऊर्जा इज द राइट आंसर। यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी, मतलब अभी कह रहे हैं कि किसी वस्तु की जो चाल है, मतलब किसी वस्तु की जो स्पीड है वो अब उसने क्या कर दी, आधी कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, एक चौथाई, दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। जल्दी से बताएं, चाल आधी कर दी उसने, वन बाय फोर, फिर से वाइब्रेट होने लगा, होना तो नहीं चाहिए, वन बाय फोर इज द राइट आंसर, होना तो नहीं चाहिए भाई, वाइब्रेट पता नहीं कैसे हो रहा है, वन बाय फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा कितनी बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, स्वतंत्रता पूर्व, वन बाय फोर इज द राइट आंसर, सबने वन बाय फोर दिया, एसडी ने सबसे पहले दिया, उससे पहले विपिन ने, फिर संजय, फिर विपिन, फिर मनीष, फिर आरजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, फ्री फॉल बॉडी में बढ़ती कैसे, अभी विपिन अभी वो नीचे या ऊपर जाने की बात नहीं कर रहा, नीचे आ रही है ऑब्जेक्टिव, नियत रहती है, आंसर आएगा इसका, नियत रहती है, नियत रहती है, नियत रहती है, बाद में सेम रहेगी काइनेटिक एनर्जी, बाद में चेंज हो जाएगी, जब वो नीचे आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, और जब ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संपीड़ित कंपनी कमानी द्वारा संचित ऊर्जा, संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। हाँ जी बिल्कुल मनीष, स्थितिज ऊर्जा इज द राइट आंसर, स्थितिज ऊर्जा इज द राइट आंसर। किसने आंसर दिया था स्थितिज ऊर्जा, डिलीट ही कर देते, तो आंसर बड़ी जल्दी डिलीट करते हो, स्थितिज ऊर्जा शायद विपिन ने, पता नहीं मनीष ने आंसर दिया था, डिलीट कर दिया आंसर, देखे आंसर डिलीट बहुत जल्दी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर का विस्थापन होगा, तो कार्य का मान, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी वस्तु में 5 न्यूटन का बल लगाया आपने और उस पर विस्थापन हो गया 8 मीटर का, तो कार्य बताइए क्या होगा, तो कार्य क्या होगा, फोर्स लगाया 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर, तो कार्य क्या होगा, बिना ऑप्शन के नहीं आ रहा आंसर, कितने खराब हो आप लोग भी, वर्क डन पूछ रहा है आपसे क्या होगा, अगर फोर्स है आपका 5, डिस्प्लेसमेंट है आपका 8, तो वर्क डन के लिए ऑप्शन की जरूरत है इसमें, लो ऑप्शन ले लो, 40 जूल, 40 वाट, 40 मीटर या 40 सेकंड। ऑप्शन वैसे मांगते हैं, पता नहीं ऑप्शन बिना आंसर ही नहीं आएगा इनका, 40 जूल इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो पावर होगी, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो पावर होगी, एसडी ने तो सबसे पहले आंसर दे ही दिया था 40, आप लोग ऑप्शन चाहिए आप लोगों को, इसमें भी मल्टीप्लाई करने में ऑप्शन चाहिए, 5 8 जा कितना होता है, 20 होता है, 40 होता है, 30 होता है ना, मल्टीप्लाई ऑप्शन चाहिए, हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत बढ़िया विपिन, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाता है तो स्मार्ट, तो पावर का मान होगा 1 वाट, 4 वाट, 0 वाट, 8 वाट, यदि 2 कार्य 2 सेकंड में किया जाता है
तो पावर का मान होगा 1 वाट, 4 वाट, 0 वाट या फिर 8 वाट। हाँ जी, 1 वाट इज द राइट आंसर। विपिन, नैन्सी, आरजू, मनीष, संजय, 1 वाट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता दो। एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा होगी। एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लेकर खड़ा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा होगी। बोझ के बराबर, बोझ से दुगना, बोझ का आधा या शून्य। बोझ के बराबर, बोझ से दुगना, बोझ का आधा या शून्य। जीरो इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अभी जीरो इज द राइट आंसर, जीरो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? हो गए क्या 30+ क्वेश्चन? रिपीट होने लग गए हैं क्वेश्चन, 30+ हो गए क्या क्वेश्चन? रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम द्रव्य वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान है तो उनके वेगों का अनुपात होगा, तो उनके वेगों का अनुपात होगा। क्वेश्चन रिपीट होने लगे, वैसे ये क्वेश्चन अलग सा था इसलिए मैंने बता दिया। दो मतलब आपका क्या ले रखे हैं, इसने दो मास अलग अलग रखे हैं, दो ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट के मास अलग अलग रखे हैं। कहते हैं एक का मास है 4 किलोग्राम और एक का मास है 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम। तो दोनों पिंडों की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात होगा, दोनों पिंडों की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात होगा। काइनेटिक एनर्जी निकाली दोनों पिंडों की, क्या होनी चाहिए? 1:2, 2:1, 2:3, 3:2। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी निकालने भी आपको मास अलग अलग दे रखा है, मास अलग अलग दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लीजिए कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लीजिए। ऑप्शन में है 1:2, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 2:3 या डी ऑप्शन है 3:2। देखो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी में देखो, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं फर्स्ट की बात करूं डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड की बात करूं तो हाफ एम वी स्केयर होती है और इसकी भी हाफ एम वी स्केयर होती है। ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों डिफरेंट है। तो ये कितने हैं? 4/9। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? या तो 4/9 आंसर हो जाता, बट इसने ऑप्शन में 2/3 दे रखा है, तो 2:3 इज द राइट आंसर, 2:3 इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और आंसर आपके आ जाएंगे, है ना? टू रेशो थ्री इज द राइट आंसर। 4:9 भी इसका आंसर हो जाता, बट अगर वो क्या होता आपका क्वेश्चन के अंदर, अगर उसने क्या पूछा होता, अगर आपका ऑप्शन में दिया होता तो 4:9 भी सही आंसर था, अगर ऑप्शन में दिया होता तो। बहुत है भाई, 30+ क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये सीरीज आपकी पूरी हो गई आज। ये सीरीज जो हमने की थी वो कंप्लीट हो गई है, सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है आज। 250+ क्वेश्चन का टारगेट था हमारा और 250+ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल जो चैप्टर करेंगे हम, कल जो चैप्टर करने वाले हैं, कल जो चैप्टर हम करेंगे, फ्रिक्शन के बारे में आपको पढ़ के आना है, फ्रिक्शन के बारे में आपको पढ़ के आना है, फ्रिक्शन, घर्षण बल। एक ही वीडियो में हो जाएगा, 60 से 70 क्वेश्चन मैक्सिमम इसके डिस्कस कर पाएंगे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाला चैप्टर आपको, घर्षण बल वाला, फ्रिक्शन फोर्स कह दो या फ्रिक्शन कह दो, ये घर्षण बल वाला चैप्टर आपको पढ़ के आना है, घर्षण वाला, घर्षण वाला। कल इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 70 के राउंड क्वेश्चन हम इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो बाकी देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। कल तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे फ्रिक्शन, तो कल मिलते हैं। संजय, आप चैनल पे नए आए हो शायद, तो हमारा टाइमिंग जो होता है वो देख लीजिए। हमारे जो 3 क्लासेस होती है संजय, फिजिक्स की हमारी क्लासेस होती है 11 AM डेली, लाइव क्विज होता है जिसके अंदर MCQ डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, 20 के अराउंड क्लासेस हो गई है इसके अंदर। केमिस्ट्री की क्लास होती है हमारी डेली 2 PM दोपहर को, आफ्टरनून में, और
बायो की क्लास होती है डेली हमारी 5 PM शाम को। ये 3 क्लासेस हमारी डेली लाइव होती है। इस डेली लाइव क्लासेस के अंदर हम क्विज डिस्कस करते हैं। हम डेली लाइव क्लासेस के अंदर चैप्टर वाइज हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के हमारे 3-4 चैप्टर हो गए हैं, बायो के हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं, फिजिक्स के हमारे काफ़ी चैप्टर हो गए हैं क्योंकि पहले हमने फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की थी। तो जो स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी थी। तो मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में, 2 बजे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। थैंक यू मनीष।